हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडे न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वुल्वरिन की रिटर्न से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट आया है ऑफिशियली ह्यूज जैकमैन की तरफ से, जो कि उन्होंने अपने पर्सनली एक इंटरव्यू में रिवील करा परसों के दिन। जी हाँ, आपको क्लियर कर दूं, परसों के दिन ये इंटरव्यू हुआ और मेरे पास कल पता चली और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो गाइस, उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि मार्वल स्टूडियो के साथ उनकी बात चल रही है और उन्होंने अपील करा है कि वुल्वरिन के कैरेक्टर को रिटर्न करें मार्वल स्टूडियो में, क्योंकि जब से फॉक्स और डिज्नी की डील हुई है तो इस कैरेक्टर को लेके या आने वाली फ्यूचर एक्समैन की मूवी को लेकर कोई भी काम नहीं चल रहा है। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि वो सबसे पहले वुल्वरिन को रिटर्न करें, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जो इंपॉर्टेंट था, जो कि सबको हैरान कर दिया, वो ये था कि रीकास्ट कर, जी हाँ, उन्होंने अपना ब्रेक रूल आउट खुद ही कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पर्सनल हर एक एक्टर का ये होता है कि अगर वो 4 या 5 या 12 सालों से जब कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है और देन उसके बाद उसके ऊपर कोई दोबारा मूवी बन रही होती है, तो कभी वो अपने पर्सनल वे में ये नहीं कहता है कि मुझे मत लो, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत वाला विषय हो गया। और तो मार्क रफेलो ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला कि ह्यूज जैकमैन को एज अ वुल्वरिन एक टीम अप मूवी हल्के साथ चाहिए। जी हाँ, अब उनके मन में ये खुरापाती आइडिया पता नहीं कहाँ से आते हैं, पर जो भी आते हैं बड़े अच्छे आते हैं। और मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियो जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करे, दिल लगा के काम करे, और देन हल्क और अगर वुल्वरिन की टीम अप मूवी आती भी इन फ्यूचर, तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यार हल्क इनक्रेडिबल है, ठीक है, वो उसके घाव वो जल्दी बढ़ जाते हैं, और ऐसे वुल्वरिन है, तो अगर एक टीम अप मूवी या आपस में कभी लड़ते हैं तो गाइस वो देखने लायक सीन होगा। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर अगर ह्यूज जैकमैन की बात को मार्वल स्टूडियो लेता है, अगर वो वुल्वरिन को रिटर्न करता है अपने स्टूडियो में अपनी आने वाली फीचर मूवीज़ में, या फिर वो मार्क रफेलो के कहने पर एक टीम अप मूवी बनाते हैं, तो शायद 100% वो रिबूट कास्ट होगी और ह्यूज जैकमैन इसमें रिटर्न नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्सनली खुद इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने ये लोगन रिलीज होने से पहले कंफर्म कर दिया था कि ये मूवी वुल्वरिन की मेरी लास्ट मूवी होगी और इसे मैं अब आने वाले टाइम में प्ले नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने रिसेंट मूवी में खुद बताया कि वुल्वरिन आए तो ये मैं खुद चाहता हूँ, मगर मैं इस रोल को प्ले नहीं करना चाहता। तो ये थोड़ी सैड न्यूज़ थी, पर एक गुड न्यूज़ थी जो कि वुल्वरिन के फैंस हैं। बट मैं अपने पर्सनल वे में बताऊँ कि मैं कभी भी वुल्वरिन को दूसरे एक्टर के साथ नहीं देखना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा तो ह्यूज जैकमैन के साथ। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन ह्यूज जैकमैन से प्यार करता है और कौन चाहता है कि ह्यूज जैकमैन के साथ ही मार्वल स्टूडियो में हमें वुल्वरिन देखने को मिले। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।